नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों जीएनएम भर्ती 2018 पे स्टे, इसके अलावा इसकी हियरिंग कब है, नेक्स्ट हियरिंग कब है, इसके अलावा आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे केस स्टेटस पे क्लिक कीजिए। केस स्टेटस पे क्लिक करके जयपुर पे, और जयपुर पे बाद में क्लिक करने पे बाद हाईकोर्ट सर्वर पे अपने क्लिक यहाँ पे करते हैं। दोस्तों हाईकोर्ट सर्वर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। अपने पास उसके केस नंबर है तो इस प्रकार से केस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपन क्लिक करते हैं। 13868 यहाँ पे केस नंबर है उसका, वो लिखते हैं और सर्च करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सर्च करते हैं तो इस प्रकार से टोटल 26 यहाँ पे रिकॉर्ड पाए गए हैं। गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। इसके गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद सुभाष चंद्र रोथ का जो 6 नंबर का केस है, यहाँ पे 6 नंबर का डेटा, इस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र रोथ, सन ऑफ रतनलाल रोथ, इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है राजस्थान सरकार है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। और इसके मैं बता दूंगी दोस्तों, सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है। सिंगल बेंच का मतलब होता है दोस्तों, एक ही जज साहब यहाँ पे सुनवाई करते हैं। इसके अलावा डबल बेंच का मतलब होता है कि दो जज साहब यहाँ पे सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों ये केस सिंगल बेंच में, यानी कि एक ही जज साहब यहाँ पे सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो 6 फरवरी 2020 है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, गुरुवार के दिन 6 फरवरी 2020 को इसकी सुनवाई होने जा रही है। कौन से कोर्ट में होगी? अभी तो दोस्तों जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो कोर्ट नंबर 8 में हुई थी। 24 को जो स्टे आया था वो यहाँ पे कोर्ट नंबर 8 के द्वारा आया था। अब कौन से कोर्ट में सुनवाई होगी वो दोस्तों आपको जल्द ही अपडेट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पे जो महेंद्र शाह है वो पेटिशनर के एडवोकेट हैं। रिस्पोंडेंट जो है राजस्थान सरकार है अपने मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग की तरफ से, और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है वो वीबी शर्मा AG है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई आपको दे रही है। सुभाष चंद्र रोथ ने क्या रिप्लाई फाइल किया, इसके अलावा जो जजेज हैं उन्होंने क्या बताया, तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही है। जैसा ही दोस्तों हम अब ऑर्डर और जजमेंट पर क्लिक करते हैं, तो ऑर्डर और जजमेंट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या जजमेंट आए हुए हैं, किस किस डेट को आए हुए हैं, आप वो आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों 6 जजमेंट आए हुए हैं यहाँ पे। पहला जो है 9 जुलाई 2018 का, 18 जुलाई 2018 का, 12 दिसंबर 2019 का, 18 दिसंबर 2019 का, 17 जनवरी 2020 का, और लास्ट जो स्टे आया था वो जीएनएम भर्ती पे वो 24 जनवरी 2020 का यहाँ पे आया हुआ। तो दोस्तों बड़ी अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 6 फरवरी 2020 है। यहाँ पे जो से ही दोस्तों हियरिंग पे सुनवाई होती है, दोस्तों आप जानते हैं कि ये सभी विज्ञप्तियों में लिखा रहता है, इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि तीसरे पक्षकार के अधिकार उत्पन्न न करें, यानी कि जो पहले भर्ती है वो कंप्लीट करे। इसमें दोस्तों सरकार स्वतंत्र है, सरकार साफ साफ ने लिखा हुआ है विज्ञप्ति में 2013 की में, जो पद गठोत्री और बढ़ोत्री का अधिकार है वो सरकार के पास है, सरकार स्वतंत्र है पद घटाने और बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपको जरा भी पैनिक होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, जल्द ही आपका स्टेट जाएगा और फरवरी माह में मैं बता दूं दोस्तों आपको नियुक्तियां मिलेगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। मैं बता दूं दोस्तों राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ एकदम सटीक न्यूज बताता है आपको। यहाँ पे जो एडवोकेट हैं वीबी शर्मा AG हैं, उन्होंने जैसे हमने पता किया तो उन्होंने दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रिप्लाई है वो 6 फरवरी 2020 को जो कोर्ट में पेश किया जाना वो तैयार कर लिया गया है। दोस्तों बड़ी अपडेट, अब यहाँ पे जो रिप्लाई वो तैयार कर लिया गया है, 6 फरवरी को वीबी शर्मा AG हैं, रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं, वो फाइल कर देंगे और स्टे हट जाएगा दोस्तों, और आपको जल्द से जल्द नियुक्तियां मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी आप अपने जो भी आपको क्षेत्र अलॉट होता है, जो भी आपको हॉस्पिटल अलॉट होता है वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों बड़ी अपडेट, 6 फरवरी को यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में सुनवाई होने जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस प्रकार से ये सुनवाई सिंगल बेंच में हो रही है। नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो 6 फरवरी है, और 6 फरवरी के लिए जो डबल एजी हैं वीबी शर्मा जी ने, उन्होंने अपना जो भी सरकार की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया जाना है वो तैयार यहाँ पे कर लिया गया है। और जल्द ही दोस्तों सरकार की तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस भर्ती 2018 जो जीएनएम भर्ती 2018 है उससे स्टे हटाया जाए। और दोस्तों सरकार इसमें पूरी तरह से खरी भी उतरेगी, और दोस्तों जल्द से जल्द स्टे यहाँ से हट जाएगा। और दोस्तों जो भर्ती है जीएनएम भर्ती 2018 उसमें जल्द से जल्द आपको नियुक्तियां मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही मैं बता दूं बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।